जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकसी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है, अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल यह नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं, वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहे। प्राइम मिनिस्टर जी तो खुद ही 2004 और 14 का जो कार्यकाल था मनमोहन सिंह जी का, वो बहुत ही अच्छा था, उन्होंने अच्छी काम की। इसकी जो सलाना या उसकी जो तारीफ की, उसी लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसी ही चलती रहे, जो अच्छे काम होते उसकी तारीफ करो, जो कमियां होती हैं वो गिनते जाओ। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में एक शेर कहूंगा, आप सुनिए। आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपके ख्वाब को आगाज हम देंगे, आपके ख्वाब को आगाज हम देंगे, आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं,
आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके इरादों को परवाज हम देंगे।